जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हीरेन हरियाणी है और आप देख रहे हैं लाइव साउंड ट्यूटोरियल। आज हम बहुत तकलीफ देने वाली बात जो है, जो साउंड ऑपरेटिंग में, लाइव साउंड में ज्यादातर हमें जिस चीज से दिक्कत होती है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा आपको कि आप उससे कैसे बच सकते हैं या फिर कैसे उसको कम कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं फीडबैक सीटी या हम की, जो अक्सर साउंड ऑपरेटिंग में हम देखते हैं कि वो बहुत डिस्टर्ब करती है हमें। तो आज इसके बारे में देखते हैं, पहले बजा के देखते हैं सीटी, देखते बजती कब है। आजा आजा, चल। तो ये हम, ये हम, ठीक है। सीटी या फिर फीडबैक और हम में हमें ये समझना होगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी में ये क्रिएट हो रहा है। मैं आपको अलग अलग तरह की फीडबैक या सीटी जिसको बोलते हैं उसको मैं क्रिएट करके आपको दिखाता हूं। पहले हम शार्प में, जो एचएफ में, हाई फ्रीक्वेंसी में जो विस्लिंग होती है उसको हम सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो, तो ये जो हमने सुना वो है हाई फ्रीक्वेंसी की विसल, यानी कि फीडबैक है ना। हम देखते हैं उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन पहले ये हाई फ्रीक्वेंसी से ऐसी सीटी आएगी या फीडबैक आएगा, हेलो, ठीक ठीक है। और अभी देखते हैं हम मीड फ्रीक्वेंसी को, मीड फ्रीक्वेंसी में कैसे विसल हो सकती है या होती है, देखते हैं। हेलो 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 हेलो, ये मीड में हो रहा है, मीड से, मीड से। और एक होता है हम, जो लो फ्रीक्वेंसी से क्रिएट होता है, उसको भी हम समझते हैं। देखिए, हेलो 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 हेलो, क्या बात है। तो ये ज्यादातर इस तीन फ्रीक्वेंसी में हम डिस्टर्ब होते हैं या ये हमिंग या विसलिंग होता है। समझना ये है दोस्तों कि फीडबैक को हम कभी भी बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। जब फीडबैक हमें कम करना है या फिर नहीं लाना है तो माइक का कंट्रोल और उसकी फ्रीक्वेंसी को समझना बहुत जरूरी है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये शार्प या हाई फ्रीक्वेंसी से विसल आएगी, या फिर मीड बढ़ जाएगी तो मीड से आएगी, या लो अगर उसमें ज्यादा आएगा तो लो का हमिंग आएगा। ये तीन तरह से फीडबैक हमको मिलेगा। फीडबैक यानी क्या है, ये माइक से आवाज स्पीकर में जाएगा, स्पीकर से आवाज माइक में आएगा और उसका एक साइकिल बन जाएगा, चाहे वो किसी भी फ्रीक्वेंसी का हो सकता है या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है, सिंगर से हो, जिस जगह पे माइक लगा है उसमें फीडबैक आए। तो हमें क्या करना होगा, अगर कोई फ्रीक्वेंसी, मान लो कि शार्प फ्रीक्वेंसी से विसल हो रहा है जैसे हमने देखा, तो हमने शार्प फ्रीक्वेंसी को घटाना है, ठीक है। उससे कंट्रोल हो जाएगा, शार्प फ्रीक्वेंसी को अगर हम घटाएंगे तो उससे कंट्रोल हो जाएगा। और साथ ही आपको मॉनिटर में जितना वॉल्यूम आपने डाला है उससे थोड़ा कम करना होगा, यानी साउंड का एक कैपेसिटी है उसको पूरा का पूरा हम नहीं खोल सकते। जब तक वो रिसाइकिल नहीं होता तब तक हम उसको खोल सकते हैं। यानी अगर कोई सिंगर या कोई तबला या फिर ढोलक या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट वाला, अगर बहुत ज्यादा उसको मॉनिटरिंग चाहिए तो उसको आप कैपेसिटी के बाहर नहीं दे सकते। तो उसको आप ये समझाइए या खुद ये समझ लीजिए, है ना। तो अभी आपको ये करना है कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी की रिसल है, फीडबैक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी आपको कम करनी है, लो का है तो लो आपको कम करना है, मीड का है तो मीड आपको कम करना है, और उसके साथ साथ हमें वॉल्यूम भी थोड़ा कम करना है।
तो उससे ज्यादातर फीडबैक आना कम हो जाएगा। एक बहुत ही बढ़िया तरकीब है उससे बचने की, हर माइक की एक फ्रीक्वेंसी होती है, जो फ्रीक्वेंसी माइक के हिसाब से वो ज्यादा फेंकेगा। जैसे कुछ माइक शार्प ज्यादा क्रिएट करेगा, ज्यादा सोखेगा, ज्यादा कैचअप करेगा, कुछ माइक लो ज्यादा कैचअप करेगा और कुछ माइक मीड ज्यादा कैचअप करेगा, तो उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। उसके लिए डिजिटल मिक्सर ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा कि आप माइक को कैसे फ्लैट कर सकते हैं और उसको कैसे बैलेंस या अलाइनमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपका फीडबैक सबसे कम हो और आपके सिंगर या आपके जो भी म्यूजिक प्लेयर है उसको सबसे ज्यादा पावरफुल हम उसको मॉनिटरिंग दे सके। तो ये मॉनिटरिंग और फीडबैक हमेशा हमारे साथ रहने वाला है जब तक हम इस साउंड बिजनेस में है, तो इसको बारीकी से समझना चाहिए। एक और चीज है, आपके पास कौन से स्पीकर है, उसके साथ आपके पास कौन से माइक है, उसको आप समझ के अपनी सिस्टम को चलाएंगे तो सबसे कम प्रॉब्लम आएगा। आज की बात में आप इतना ही समझ लीजिए कि जिस फ्रीक्वेंसी की विसल या फिर सीटी या फीडबैक आता है उस फ्रीक्वेंसी को हमें कम करना है, और अगर उससे कंट्रोल नहीं होता है तो वॉल्यूम कम करना है, तो आपका फीडबैक चला जाएगा। और एक चीज है, माइक को और मॉनिटर और स्पीकर की प्लेसमेंट से भी उसमें असर पड़ता है। अगर आप बिल्कुल इस माइक को स्पीकर के सामने रख देंगे, जैसे ये माइक और यहां स्पीकर है, तो फीडबैक आना ही आना है। तो उसकी प्लेट में तो माइक के साथ स्पीकर की प्लेसमेंट के लिए माइक की पोलार पैटर्न है उसको समझना पड़ेगा, जो भी आपने माइक लगाया उसको। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं माइक के प्रकार और पोलार पैटर्न, बहुत जरूरी वीडियो है ये, देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि किस माइक को आपके किस माइक में आपको कहां से मॉनिटर देना है और कहां से उसको आपको आवाज कैप्चर करने का मौका देना या प्लेसमेंट किस तरह से करना है, तो आप ये वीडियो भी देख लीजिएगा। तो ये सदा अपने साथ रहने वाला अपना फीडबैक सीटी या विसल है, उसको आप एक्सपेरिमेंट करके और ज्यादा समझ सकते हैं। थैंक यू, भारत माता की जय।